नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। तारण तरन दिगंबर जैन मंदिर लोधीखेड़ा में कलशारोहण एवं जैनवाणी आस्था का कार्यक्रम जैन मुनि बाल ब्रह्मचारी बसंत महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम संपन्न होने के पूर्व कलशारोहण की बोली लगाई गई, जिसमें लोधीखेड़ा के जैन परिवार को कलशारोहण का अवतार मिला। तत्पश्चात तारण दिगंबर सकल जैन समाज के लोधीखेड़ा द्वारा जैन मंदिर कलश स्थापना की लेकर तैयारियां की गई। गोबज पर कलश स्थापना को लेकर सकल जैन समाज लोधीखेड़ा द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में जैन समाज के अनुयायी शामिल हुए, जिसमें महिलाएं एवं बच्चे वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ जैन मंदिर से होकर नगर के चौक चौराहे से गुजरी, नगर भ्रमण करते हुए जैन मंदिर पर समाप्त हुई। बाजे गाजे के साथ निकली कलश शोभा यात्रा सकल जैन समाज के युवक एवं युवतियां जमकर थिरकते नजर आए। शोभा यात्रा में सकल जैन समाज की युवतियां एवं महिलाएं व युवक वरिष्ठ जन जैन समाज के अनुसार परिधान में नजर आए। कलश शोभा यात्रा में शामिल होने वाले पूर्व राज्य मंत्री संतोष जैन, अनूप जैन, तारण जैन, बबलू जैन भैया, अभय जैन, पारस जैन, विजय जैन, राजीव जैन, रोहित जैन, अंकित जैन, आशीष जैन, नंदू कुमार जैन, कमलेश जैन आदि युवक युवतियां एवं वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाएं तारण तरन दिगंबर जैन समाज द्वारा निकाली गई कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए। लोधीखेड़ा से निमेश धनतोली की रिपोर्ट।